मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. टूडेज आई एम गोइंग टू स्टार्ट. द टॉपिक इज ड्रग एलर्जी. सो वॉट इज ड्रग एलर्जी? अ ड्रग एलर्जी एन एलर्जिक रिएक्शन टू अ ड्रग और मेडिकेशंस. एन एलर्जिक रिएक्शंस दैट्स इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई द ड्रग एज अ फॉरिन एंड एक्ट टू एलिमिनेट इट फ्रॉम योर बॉडी. सो ड्रग एलर्जी, सबसे पहले तो ड्रग एलर्जी होता क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन. ड्रग एलर्जी में क्या होता है, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो किसी भी ड्रग को एज अ फॉरेन सब्सटेंस आइडेंटिफाई करके उसके लिए रिस्पॉन्ड देता है. जो रिस्पॉन्स होते हैं वो मल्टीपल वेज में होते हैं, लाइक इन्फ्लामेशन, रैशेस, फीवर, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज एक्ट. नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ ड्रग एलर्जी. जो मेनली रिस्पॉन्सिबल ड्रग्स होती है, कॉमनली इन्वॉल्व होती हैं, वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो ड्रग एलर्जी में रिस्पॉन्स होती है? जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एस्प्रिन, नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स और रेमेटाइड अर्थराइटिस से रिलेटेड ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मेडिकेशन फॉर द पीपल विथ HIV एंड एड्स. नेक्स्ट इज अ सिम्टम्स. सो जनरली जो ड्रग एलर्जी में जो सिम्टम्स दिखते हैं, जो साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, स्किन रैशेस, ईचिंग, फीवर्स, फेशियल स्वेलिंग, जॉइंट, एक्ने एंड स्वेलिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सारे जो जनरल हमें सिम्टम्स दिखते हैं. बट एनाफाइलेक्सिस कंडीशन, दैट इज सीवियर कंडीशन ऑफ ड्रग एलर्जी, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, उसमें सिम्टम्स थोड़े से अलग रहते हैं, लाइक टाइटनिंग ऑफ थ्रॉट, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, एक्सट्रीमली लो ब्लड प्रेशर, वीक रैपिड पल्स, स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, एबडोमिनल पेन, नौशिया, वॉमिटिंग, डिजीनस, कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. ये डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स ये कब दिखते हैं? जब बहुत ज़्यादा कंडीशन सीवियर हो जाती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनाफाइलेक्सिस कंडीशन. नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. एक्चुअली जो ड्रग एलर्जी होता है वो मेनली क्या शो करते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करते हैं. तो ड्रग टाइप्स ऑफ ड्रग एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो सेम है. सो डिफरेंट मेनली फोर टाइप्स के होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. इसके मैकेनिज्म अलग होते हैं, बट सारे मैकेनिज्म एंटीबॉडी से ही रिलेटेड होते हैं, ये इम्यून सिस्टम से ही रिलेटेड होते हैं. इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स, उसमें जो कंडीशंस आती है उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. फर्स्ट इज़ अ IgE मीडिएटेड रिएक्शन. सो IgE इज अ एंटीबॉडी, जो कि एंटीबॉडी होती है हमारे इम्यून सिस्टम में, IgE टाइप एंटीबॉडी, ये फर्स्ट टाइप है. IgE टाइप में होता क्या है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो एंटीजन होते हैं, या हमने जो कोई ड्रग लिया है जिसको आइडेंटिफाई किया हमारे इम्यून सिस्टम ने एज अ एंटीजन, वो क्या करता है, IgE मॉलिक्यूल, मतलब IgE जो एंटीबॉडी है उससे बाउंड होता है और उससे बाउंड होके कॉम्प्लेक्स बना के हेपेरिन रिलीज करता है. जो हेपेरिन होता है, हेपेरिन रिस्पॉन्स में जब रिलीज होता है तो वो रिलीज होके जो डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स दिखते हैं, रैशेज वगैरह, वो दिखता है उसमें. दीज रिएक्शन इंक्लूड एनाफाइलेसिस, इसमें एनाफाइलेसिस, एटोपी एंड अस्थमा वाली रिएक्शन दिखती हैं. नेक्स्ट इज अ हाइपर सेंसिटिविटी सेकेंड टाइप. इसमें जो होता है ये मेनली ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट मैकेनिज्म है, इसमें IgE इन्वॉल्व नहीं होता है. इसमें जो मेनली होता है IgG टाइप और IgM टाइप जो एंटीबॉडीज होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. और जो इसमें जो मेनली ड्रग हमारी जो बाउंड होती है वो RBC से बाउंड होती है, तो प्लेटलेट्स से जो बाउंड होती है तो हैप्टेन ड्रग हैप्टेन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है. हैप्टेन जो कि प्लेटलेट से रिलीज होता है उससे कॉम्प्लेक्स बनाती है और फिर RBC को डीनेचर्ड कर देती है, तो जिससे मैक्रोफेजेस या हमारे इसमें रिस्पॉन्स देते हैं. ये जो जनरली होता है ड्रग, इसमें पेनिसिलिन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे सिफेलोस्पोरिन, लिवोडोपा, मेथाइलडोपा, क्विनिडीन, ये सारी ड्रग्स हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, वो टाइप 2 रिएक्शन शो करती है. नेक्स्ट इज टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन. इसमें सॉल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडी फॉर्म सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स विच आर डिपोजिट ऑन द वस्कुलर एंडोथेलियम एंड एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, इसमें सॉल्यूबल एंटीजन सॉल्यूबल एंटीबॉडी से कॉम्प्लेक्स बना के रिस्पॉन्ड करता है. दिस ऑकर्स विद इन 1 to 2 weeks ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. 1 to 2 weeks में ये जो ड्रग एलर्जी है वो दिखने लगता है. इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इन टिश्यूज, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एंड सीरम सिकनेस. इसके बाद ये जो होती है मेनली जो ड्रग्स, इसमें NSAID है, एमोक्सिसिलिन है, सिफेलेक्सिन, एंटीबायोटिक्स ड्रग और जो NSAID है वो इस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं. नेक्स्ट इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन.
टाइप फोर में हमारी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, इसमें जो टी सेल्स होती हैं हमारी टी सेल्स और जो मोनोसाइट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक्टिवेशन ऑफ सेंसिटाइज टी सेल्स रिजल्ट इन रिलीज ऑफ साइटोकाइंस। जब एक्टिवेट हो जाते हैं किसी भी एंटीजन को, अगर टी सेल्स उसे एंटीजन ले रहा है किसी भी फॉरेन सब्सटेंस मान रहा है किसी भी ड्रग को, और टी सेल्स उससे क्या होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। जब टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं, मैक्रोफेजेस को, ग्रैनुलोसाइट को और नेचुरल किलर सेल्स को, इसको क्या करते हैं एक्टिवेट करते हैं, जिससे ड्रग एलर्जी शो होती है। ये विद इन जो अपीयर होता है वो 48 to 72 hours में एक्टिवेट हो जाती है टी सेल्स। नेक्स्ट इज स्यूडो एलर्जी। सो स्यूडो, ये जो मेनली थे ये फोर टाइप्स के थे, उसके बाद स्यूडो एलर्जी अलग टाइप होता है। दिस आर पैथोलॉजिकल पुअरली डिफाइंड प्रॉब्लम। ये जो होता है स्यूडो एलर्जी वो एग्जैक्ट एलर्जी टाइप नहीं होता है, इसमें इम्यून मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, बट जो साइन एंड सिम्टम्स उस टाइप के नहीं दिखते हैं। आईजी मीडिएट होता है ये भी। नेक्स्ट इज अ क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी। सो मैं आपको कुछ इसमें डायग्राम में आपको किस तरह से ड्रग एलर्जी होती है वो शो कर रहा है। जैसे ड्रग रिएक्शन कॉमनली मैनिफेस्ट आर डर्मेटोलॉजिकल सिम्टम्स सबसे ज़्यादा दिखते हैं ड्रग एलर्जी में। सो रैशेज देते हैं, यूट्रिक एरिया, जैसे ये यूट्रिक एरिया जो ऊपर हाथ वाला दिख रहा है आपको, ये नीचे बच्चे वाला दिख रहा है, ये रैशेज है। यूट्रिक एरिया में थोड़ा सा जो फोरे टाइप के उठते हैं और उसमें रेडनेस आ जाती है वो यूट्रिक एरिया हो जाता है, यूट्रिक एरिया कहलाते हैं उसे। और जनरली जो रैशेज होते हैं वो ऐसे होते हैं, तो ये बच्चे में थोड़ा सा यूट्रिक एरिया उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं। कुछ सीवियर कंडीशंस भी होती हैं, सिंड्रोम्स कुछ हो जाते हैं, एक्जिमेटियस रैशेज होते हैं, ये डायग्राम शो हो रहा है। नेक्स्ट इज एनाफाइलेक्सिस। सो एनाफाइलेक्सिस मैंने बताया था क्या होता है, सीवियर कंडीशन होते हैं, कोई भी ड्रग एलर्जी का सीवियर जो कंडीशन होता है दैट इज एनाफाइलेक्सिस, जो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इसमें जो मेनली दिखता है डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग, टाइटनिंग ऑफ थ्रॉट, रैशेस और टाइटनिंग एंड स्वेलिंग ऑफ लिप्स, तो ये जो शो हो रहे हैं डायग्राम में। देन एनाफाइलेक्सिस इज अ सीरियस एलर्जिक रिएक्शन दैट इज रैपिड ऑनसेट एंड मे कॉज डेथ, डेथ तक कॉज करता है। एनाफाइलेक्सिस टिपिकली प्रेजेंट मेनी डिफरेंट सिम्टम्स ओवर अ मिनट और आवर्स विद द एवरेज ऑनसेट ऑफ 5 to 30 minutes इफ एक्सपोजर इज इंट्रावेनस एंड 2 hours फॉर द फूड। अगर इंट्रावेनस अगर हम किसी ड्रग को लेकर ड्रग एलर्जी शो कर रहा है तो विद इन 30 minutes वो शो करने लगेगा एंड 2 hours द फूड से के थ्रू अगर ले रहे हैं हम तो। द मोस्ट कॉमन एरिया अफेक्टेड इंक्लूड स्किन, रेस्पायरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, हार्ट एंड वस्कुलर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें जो मेनली सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो रेस्पायरेटरी, जो भी ड्रग एलर्जी रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट पर देखा जाता है और स्किन में। ये एनाफाइलेक्सिस है, साइन और सिम्टम्स जो डिफरेंट डिफरेंट जगह शो हो रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या शो हो रहा है, देन रेस्पायरेटरी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, और हार्ट एंड वेस्कुलेचर में और स्किन में। ये कुछ डायग्राम शो हो रहे हैं, जैसे ये बच्चे की आईज दिख रही हैं वो स्वेलिंग ऑफ आईज में। ट्रीटमेंट फॉर एनाफाइलेक्सिस, इमीडिएट ट्रीटमेंट, अगर एनाफाइलेक्सिस कंडीशन में जो डेथ वाली कंडीशन आ जाती है उसमें इमीडिएट क्या दिया जाता है, एड्रिनलिन दिया जाता है। एड्रिनलिन का IM डोज दिया, IM रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से डोज कितना 0.5 दिया जाता है। ऐसे ही H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग दी जाती है। तो कुछ ऐसे ये जो है जो ट्रीटमेंट जो ऑन द स्पॉट दे सके वो ट्रीटमेंट हम एनाफाइलेक्सिस कंडीशन में देते हैं। नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या है, इफ़ यू हैव एलर्जिक रिएक्शन टू अ ड्रग, फर्स्ट हम उसे ऐसे ही प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम जो ड्रग ले रहे हैं उसे ही हम विदड्रॉल कर रहे हैं, हम वो ड्रग ना लें जिससे हमें एलर्जी हो रही है। उसके अलावा जो कुछ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जैसे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग दी जाती है, ब्रोंकियोडायलेटर दिए जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं, इफेड्रिन दिए जाते हैं, ये सारे क्या जाते हैं ड्रग एलर्जी से रिलेटेड ट्रीटमेंट ड्रग्स हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।